यहीं से देख लेते हैं, एक बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं, ये बैलेंस रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिखते हैं, तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, सी सी प्लस डी डी गिव्स ए प्लस बी बी। यहां से अगर हम देखेंगे तो आप पास हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। यहां पर अगर हम देखेंगे तो रेट, ये बैकवर्ड रिएक्शन है तो आर बी लिखेंगे, दैट इज सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसमें हम बैकवर्ड रिएक्शन बोल रहे हैं, बट अगर हम देखेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट सी एंड डी होंगे। यहीं पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। दिस इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको लिखते हैं। सो रेट बैकवर्ड इज इक्वल टू के बी सी टू पावर सी डी टू पावर डी। इसको बोल देंगे रेट कांस्टेंट और इसी को बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम बोल देंगे हमारे पास के एफ एंड के बी टर्म आ जाता है, विच इज रेट कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम क्या बोला जाता है, एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट गिव्स k forward a to the power a b to the power b, that is equal to k backward c to the power c d to the power d। यहां से हम एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट कर लेते हैं, k forward upon k backward, that is concentration of c to the power c concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a concentration of b to the power b। Now this k forward upon k backward is constant, ये नया पूरा एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा, that is called kc, that is equilibrium constant in terms of concentration। तो जो हमारे पास kc का टर्म आ गया उसे लिख लेते, तो हम बोलेंगे हमारे पास आ जाएगा kc विच इज k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड, that is concentration of c to the power c concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a concentration of b to the power b। so this becomes kc। agar hum dekhenge to yahan se iska unit aa jayega, so unit is concentration raised to power c plus d minus a plus b, c plus d minus a plus b ko hum bolte hain डेल्टा एन, दैट इज चेंज इन गैशियस मोल्स इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री। जब आगे जरूर समझेंगे कि इसे हम चेंज इन गैशियस मोल्स क्यों बोल रहे हैं, वैसे हमें बोलना चाहिए चेंज इन मोल्स इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री। सो स्टोइकियोमेट्री के टर्म में पार्ट आ जाएगा, सो चेंज इन गैशियस मोल्स, गैशियस मोल्स क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमारे पास यहाँ पर केवल गैसेस सब्सटेंस के लिए ही रिएजेंट कंसिडर किया जाता है, वो हम आगे पार्ट पढ़ने भी वाले, और रादर हम बोल सकते हैं कि चेंज इन मोल्स इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा ना देगा, यहां से अगर हम यूनिट देख लेंगे
तो नया यूनिट हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर डेल्टा है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स बाय लीटर रेस टू पावर डेल्टा, सो दैट बिकम्स द यूनिट फॉर केसी। और इस तरीके से हम केसी के बारे में समझ सकते हैं, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो टर्म हम पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है इन अ गैसियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, एंड केपी इज अगेन के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, बट दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू पावर बी। क्या लिख सकते हैं इससे, इफ ए बी सी एंड डी आर गैसेस देन पी ए पी बी पी सी एंड पी डी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम केपी को डिफाइन करते हैं। केपी और केसी का क्या रिलेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं, एंड साथ में ये भी समझ लेते हैं कि इसके अलावा भी और कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन है क्या। तो एक टर्म होता है के एक्स, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम बोलते हैं के एक्स इज एक्स ऑफ सी टू पावर सी, एक्स ऑफ डी टू पावर डी अपॉन एक्स ऑफ ए टू पावर ए, एक्स ऑफ इंटू एक्स ऑफ बी टू पावर बी, वेयर एक्स ए एक्स बी एक्स सी एंड एक्स डी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B, C and D respectively at equilibrium state. तो equilibrium state पर जो मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगा। के एक्सिस इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और डायमेंशन लेस है क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता। एंड केपी के लिए अगर हम यूनिट देखेंगे तो जाएगा एटमॉस्फेयर टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, व्हिच इज एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा ए। तो इस तरीके से हम केपी की यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होगी, सो दैट इज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा ए आएगा। रिलेशन देखते हैं केपी एंड केसी में, तो हमारे पास केपी आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू पावर बी। ये हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है केसी है, केस में कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट के हैं। तो आप बोलते हैं केसी इज इक्वल टू सी टू पावर सी डी टू पावर डी अपॉन ए टू पावर ए बी टू पावर बी, बट dV इज इक्वल टू nRT होता है गैसियस सब्सटेंस के लिए, और हम यहां पर बोल रहे हैं ए बी सी एंड डी सभी गैसेस हैं। इफ ए बी सी एंड डी आर गैसेस, और हम इन्हें आइडियल गैस भी मान रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं pV इज इक्वल टू हो जाएगा nRT, n by V इज कॉन्सेंट्रेशन, That is P upon RT. तो यहां से आ जाएगा P of C upon RT to the power C, P of D upon RT to the power D upon P of A upon RT to the power
ए पी ऑफ बी अपॉन आर टी टू द पावर बी, क्योंकि हम बोलेंगे अगर यहां से मोल्स ऑफ ए लिखे जाएंगे अपॉन बी, दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए अपॉन आर टी, एन ऑफ बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ बी अपॉन आर टी, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हो जाएगा एन ऑफ सी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ सी अपॉन आर टी, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी हो जाएगा हमारे पास एन ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी अपॉन आर टी। तो इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी का टर्म लिख पाएंगे, इसको अरेंज कर लेते। सो के सी विल बी इक्वल टू पी सी टू द पावर सी पी डी टू द पावर डी अपॉन पी ए टू द पावर ए पी बी टू द पावर बी इंटू आर टी टू द पावर ए प्लस बी, आर टी टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, इसी को अरेंज करके लिख लेते। ये हो जाएगा हमारे पास के पी, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, विच गिव्स के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा ए। तो द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी वेयर डेल्टा एन इज चेंज इन गैसियस मोल्स इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्री, यहां पर डेल्टा एन स्ट्रिक्टली हमारे पास यही आ जाएगा चेंज इन गैसियस मोल्स इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्री। तो रिलेशन आ जाता है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, वह डेल्टा एन इज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और चेंज इन गैशियस मोल्स